Zoom. Hi, this is Amina Sheikh here on Zoom channel on my special show Street Diaries. और वर्ल्ड थिएटर डे पर वी हैव गॉट अ स्पेशल एक्ट्रेस रसिका दुग्गल हु इज गोइंग टू जॉइन मी फॉर स्ट्रीट डायरीज. सो जॉइन मी एज अ वेलकम ऑन Zoom. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. लवली टू हैव यू. और हम हमेशा देखते हैं कि बॉम्बे में पृथ्वी थिएटर काफ़ी फेमस है, बट सबसे ज़्यादा फेमस ये भी बात है कि यहाँ के पृथ्वी कैफे के आलू पराठे काफ़ी फेमस हैं. तो आई रियली वॉन्ट टू नो योर स्टोरीज एंड यू नो लेट्स हैव एन इंटरेक्शन ऑन दिस. इससे पहले वर्ल्ड थिएटर डे पर आप क्या कहना चाहते हो? बहुत सारे एक्टर्स की जर्नी पृथ्वी से शुरू होती है. जब मैं बॉम्बे आई थी फिल्म स्कूल के बाद, तो मैंने बहुत सारे नाटक किए हैं और बहुत सारा वक्त इसी कैफ़े में बिताया है, जब हम सब एक्टर्स बैठ के ये बात करते थे कि काम कहाँ से मिलेगा. सो आई हैव मेनी लवली मेमोरीज़ फ्रॉम हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक हियर ऑन वर्ल्ड थिएटर डे. तो हम भी एक मेमोरी बनाने जा रहे हैं अलॉन्ग विद रसिका, विच इज़ ऑल अबाउट फूड, विच कुड बी छोले, कुलचा एंड पराठा, राइट रसिका? हाँ, मतलब अगर किसी मेन्यू में मुझे कुलचा दिख गया तो मुझे फिर आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दैट इज़ माई वन स्टॉप शॉप. जहाँ कुलचा दिख गया वो कुलचा तो खाना ही पड़ेगा. तो आज मैं पृथ्वी कैफे में कुलचा खाऊँगी. सो रिसेंटली रसिका, आई ऑल्सो टुक योर हस्बैंड टू एल्को और वहाँ पर हम लोग ने चाट खाया था एंड वी हैड सम इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन के किचन में आप दोनों ज़्यादा मेहनत नहीं करते हो, बट आई रियली वॉन्ट टू नो कि ये बात में कितनी सच्चाई है. मतलब हमारी मेहनत उस हद तक है कि हम बहुत खाना खाते हैं किचन में, लेकिन पकाता कोई नहीं है ज़्यादा, क्योंकि किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता. सो वी आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन आवर कुक. फॉर्चुनेटली वी हैव अ वेरी गुड कुक. सो हम तो इतने लेजी हैं कि सुबह ये डिसाइड करने में भी इतना टाइम लग जाता है कि आज खाने में क्या बनाएं. सो वी कीप गोइंग बैक एंड फोर्थ की. और मुकुल और मेरी प्रॉब्लम ये है कि उसको और मुझे दोनों को बहुत अलग सब्जियां पसंद है. आई लव ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ही लव्स ओनली गोभी एंड आलू, एंड आई लव टेंडली एंड परवल एंड ही डजेंट लाइक देम एट ऑल. तो हम पूरा टाइम इसमें ही निकल जाता है कि क्या बनाना है खाने में. हाँ, सो बोथ ऑफ अस आर नॉट, बट आई हैव एन एप्टीट्यूड फॉर कुकिंग, मुकुल डजंट. बट ही एक्चुअली सेड दिस ओनली कि सबसे ज़्यादा डिस्कशन अगर आप दोनों के बीच में कुछ होता है तो खाने में क्या बनाना है, खाने में क्या खाना है. बट इसके अलावा आप दोनों के बीच में कुछ तो कॉन्वर्सेशन होता है ना, बिकॉज यू नो कैसे प्यार हुआ, कैसे मिले एंड ऑल दैट. वो तो एक्चुअली हम एक थिएटर वर्कशॉप में मिले थे, जहाँ हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, पृथ्वी के फ्रेंड्स भी थे. वो वर्कशॉप यहाँ नहीं हुआ था, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी हैड मेट. मुकुल भी थिएटर किया करता था और मैंने तो वजाना मोनोलॉग्स में 9 साल तक परफॉर्म किया है. तो पृथ्वी वाज लाइक सेकेंड होम टू अस, यू नो. एंड बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने कहा, अपने करियर की शुरुआत में यहाँ आते हैं और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी हो जाता है कि आप अकेले नहीं हैं इस बड़े से शहर में, कि आपके साथ बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं. सो आई थिंक आई फाउंड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हियर हु एंड मुकुल एंड आई एक्चुअली हैड बोथ परफॉर्म्ड एट पृथ्वी एंड बीन अ पार्ट ऑफ द होल थिएटर सर्किट फॉर अ वाइल. बट हम बहुत साल, व्हेन वी मेट वी न्यू एटलीस्ट 50 पीपल इन कॉमन. तो मतलब इट वॉज मेंट टू हैपन एट अ टाइम दैट इट डिड. हाँ, आई टू ऑल्सो से दिस टू यू रसिका, एंड आई हैव सीन यू नो ये एक थिएटर वाला जो प्यार होता है वो काफ़ी अलग होता है. और उसमें एक स्पेशल मेमोरीज भी जैसे कि होती है, जैसे कि थिएटर पे जाके यू नो कैफे में स्पेशली कुछ खाना खाना. आप और मुकुल आपके उस फ्री टाइम में क्या चूज़ करते थे खाने के लिए? वी हैव वेरी डिफरेंट फूड हैबिट्स एक्चुअली. तो शो के पहले तो इतनी टेंशन होती थी कि मुझसे कुछ खाया ही नहीं जाता था, और अब भी शायद शो करने जाऊँ तो वो टेंशन हमेशा रहेगी. तो शो के पहले तो क्यों, बाकी सब लोग भी चाय पीते थे तो मैं भी चाय पी के बस अपनी लाइनें करके बैक स्टेज चली जाया करती थी. मुकुल तो जब भी खाता है तो अच्छे से, मतलब ही विल हैव अ फुल मील. सो ही विल नॉट, सो पराठाज आई थिंक आर हिज फेवरेट, कुलचाज आर माइन. वाओ, एंड कुलचे का मैंने देख लिया कि आपकी जो मोहब्बत है उसको लेकर कुछ अलग ही तरीके से है. आई मस्ट से दैट बहुत मोहब्बत है मुझे कुलचे से. आप कहीं भी ले जाओ मुझे, हर जगह में मेरा एक फेवरेट कुलचा प्लेस ज़रूर होता है. बांद्रा में भी अलग फेवरेट कुलचे की जगह है, और यहाँ पृथ्वी में आके भी कुलचे खाने में बहुत मज़ा आता है. मैंने उनके टेबल पे देखा, उन्होंने ऑर्डर किया तो बहुत अच्छा लग रहा था. सो आई सेड आई हैव टू ऑर्डर दिस. और ऐसे कई बार ऐसे होता ना कि मैंने भी लुक एट समवन एल्सस टेबल, यू नो, अच्छा ये कुछ डिश अलग लग रही है, यू नो, ट्राई करना. मैं ऑर्डर ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना दिखने में कैसा है, यू नो. सो
तो क्या, आई तो ऑलवेज गो टू रेस्टोरेंट्स एंड लुक एट द अदर टेबल एंड से दैट लुक्स गुड एंड आई ऑफन आस्क कि उन्होंने क्या ऑर्डर किया और मैं वही ऑर्डर करती हूँ. बट बात करें खाने की, यू नो रसिका, ओवर द इयर्स, यू नो एज वी ग्रो ऑल्सो एज इंडिविजुअल्स एंड ऑल, एक होता है कि ना एक माँ की डांट पड़ती है कभी खाना खाने के लिए, कभी बहुत ज़्यादा नहीं खाने के लिए, और कभी कभार यानी बस यू नो लेट गो करने के, अरे माँ के हाथ का खाना कौन खाएगा. आपको कैसे यानी कुछ ऐसी डांट पड़ी है या ऐसे प्यार मिला है माँ की वजह से? आई बिलोंग टू अ गुड पंजाबी फैमिली हु फीड देयर चिल्ड्रेन वेल एंड माई मदर एंड माई ग्रैंड मदर बोथ वर वेरी गुड कुक्स. तो हमारे घर में सब कुछ बनता था. मतलब आप कहीं बाहर बचपन में ऐसा था कि आप बाहर कहीं जाओ, आपने कुछ चीज़ देखी हो तो हम लोग और पसंद आ गई तो वो घर पे बना दिया जाता था. मतलब उसकी रेसिपी कहीं से ला के या बिल्कुल टेस्ट करके उनको पता लग जाता था कि इस चीज़ को कैसे बनाना है. सो फूड वॉज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. माई पेरेंट्स स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन बर्मा इन देयर चाइल्डहुड. तो बर्मीज़ खाना भी हमारे घर में बहुत बना करता था. हाउसवे वगैरह हमारे घर में, मतलब जैसे आपके घर में चिकन करी बनता होगा या लोगों के घर में चिकन करी बनता है, खाउसवे वैसे बनता था हमारे घर में बचपन में. अभी क्यों खाउसवे एक बहुत पॉपुलर डिश हो गया है और रेस्टोरेंट्स आ गई हैं बर्मीज फूड की, लेकिन उस टाइम पे इंडिया में ऐसा नहीं था. तो और माय मदर एंड ग्रैंड मदर वो सच गुड कुक्स की, जैसा मैंने कहा कि वो कुछ टेस्ट करते थे, उनको पता लग जाता था कि उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, रेसिपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यू नो. सो उस तरह से फूड वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ. इट वाज अ वे ऑफ पीपल दैट पीपल इन माय हाउस शोड लव टू ईच अदर, यू नो, कि उनके लिए उनका फेवरेट खाना बनाएंगे. और हर सदस्य के लिए एक अलग खाना था जो उनको पसंद आता था, तो बड़े प्यार से बनाया जाता था. अगर कोई उनके लिए कोई स्पेशल डे होता था, जैसे हम जब हॉस्टल से वापस आते थे, आई वेंट टू कॉलेज इन दिल्ली, तो हम हॉस्टल से वापस आते थे, वो सब चीज़ें बनाई जाती थी जो मुझे बहुत पसंद थी. मेथी की पूड़ी, माय ग्रैंड मदर यूज़ टू मेक दिस लवली सॉफ्ट गुलाब जामुन्स. सो हाँ, माय चाइल्डहुड वाज फुल ऑफ फूड एंड आई हैव लॉट्स ऑफ फूड मेमोरीज. आई रिमेम्बर दिवाली के टाइम पे हमारे घर में सब लोग, माय ग्रैंड पेरेंट्स वर एल्डरली पीपल, सो लोग उनको विश करने आया करते थे, तो हमारे बरांडे में एक पूरा स्प्रेड लगता था एंड स्टैंडर्ड मेन्यू होता था हर दिवाली में. और तो लोग आते थे, खाते थे, अप्रिशिएट करते थे. सो या दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय चाइल्डहुड. एंड आई हैव टू आल्सो आस्क यू दिस, यू नो फूड के साथ में एक और एक जो बहुत अटैच हो जाता है, विच इज इमोशंस. कभी हम खुश होते तो यू नो वी प्रिफर हैविंग पिज्जा, और कभी हम दुखी होते तो हम चॉकलेट्स खा लेते हैं. आपका कौन सा ऐसे यू नो डाइट से, यू नो, और ऐसे यू नो फूड आइटम्स है जो आप अलग अलग इमोशंस के लिए ट्राई करते हो? गुस्सा होते तभी कुछ खाना पसंद है. सो आई बिसाइड्स ईटिंग गुड फूड, आई आल्सो रियली एंजॉय स्नैकिंग. सो मैं उन लोगों में से हूँ कि आप उनके सामने कुछ रख दो, चिप्स का एक चिप्स की एक कटोरी रख दो, तो चाहे मेरा पेट भरा हो या ना भरा हो, मैं वो खा लूँगी. आधे घंटे में वो ख़त्म हो जाएगा. सो आई थिंक द माई जैसे स्ट्रेस ईटिंग बोलते हैं ना, माई स्ट्रेस ईटिंग इज नाचनी चिप्स. हेल्दी वर्जन है थोड़ा सा, लेकिन इट्स जस्ट टू मेक यू फील गुड दैट यू आर ईटिंग समथिंग दैट. अच्छा जी, कि आप आलू की चिप्स नहीं खा रहे हो, लेकिन एक्चुअली में कितना हेल्दी है वो तो मुझे नहीं पता. तो वो मैं जनरली, दैट्स माई बिंजिंग फूड. अगर मैं कुछ कोई सीरीज़ देख रही हूँ या फिल्म देख रही हूँ, तो उसके साथ भी मेरा एसोसिएशन है कि जब मैं कुछ, व्हेन आई एम वॉचिंग समथिंग, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग. सो दैट नाचनी चिप्स इज घर पे, थिएटर में जाओ तो पॉपकॉर्न. बट फूड और इमोशंस की बात करें तो एक बार मैं काफ़ी, मतलब 2-3 महीने तक एक डाइट पर थी और मेरा बहुत मन था कि मैं पराठा खाऊं. जब डाइट ख़त्म होगा, मैंने बोला था कि जैसे ही डाइट ख़त्म होगा मैं पराठा खाऊंगी. सो बांद्रा में एक जगह है लश्कारा, पंजाब स्वीट्स के ऊपर, वहाँ पर बहुत अच्छे पराठे मिलते हैं. तो आई थॉट बहुत टाइम से कि जिस दिन मेरा डाइट ख़त्म होगा मैं वहाँ जाऊँगी. तो मेरी शूटिंग ख़त्म हुई उस दिन, मेरा डाइट हो गया था. सो मैं गई बांद्रा वापस और कुछ दोपहर में, कुछ 2-3 बजे के आसपास वहाँ पहुँची. उन्होंने बोला मुझे पराठा खाना है. उन्होंने बोला नहीं, पराठा एक्चुअली 6 बजे के, 2 से 6 के बीच में नहीं मिलता है. एंड आई वाज सो क्रेविंग अ पराठा दैट आई स्टार्टेड क्राइंग.
ये अलग ही इमोशन है. तो आई थिंक दैट गाय वाज सो शॉक्ड, ही वाज लाइक इसको क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, कैसे मैंने क्या बना दिया. सो दे वर सो स्वीट, दे वर सो स्टम्प्ड दैट दे मेड अ पराठा फॉर मी, दे सेड चलो इसको खिला देते हैं. So as you can see, I have very strong emotions with food. और ऐसे यानी emotions मेरी भी काफ़ी, इसीलिए लाइक यू नो जब भी डाइट का सोचते तब यू नो आई रियली रन अवे फ्रॉम डाइट्स. बट रसिका यू नो एंड आई हैव ऑलवेज सीन यू इन अ फिट अवतार, हैव यू लाइक हैज योर डाइट चेंज्ड एवर सिंस यू हैव यू नो एंटर्ड कम्प्लीटली इनटू एक्टिंग, और यू नो हाउ थिंग्स हैव बीन फॉर यू? Yes, and I think in a good way. I've never done diets which have starved me at all. I don't think I can do it, and I don't want to do it. And that's, I think now there's so much knowledge about health and food and diets and how the body functions. कि आजकल कोई भी आपको किसी starvation, anybody with any knowledge, आपको कोई भी starvation diet पे नहीं डालेगा. You know, it's always a healthy diet and portion control or timings, और सबकी अपनी अपनी theories होती हैं. And I've tried everything, I think. Yes, of course, if it was left to me, if I had not been an actor and I had not sort of educated myself about healthy eating, I would have just been a binger and how, you know. So I think being in this profession sort of changed that for me, that it taught me how to you know, eat, but eat healthily. But of course I always struggle with it, you know, you always want to eat more than is actually healthy for you or what your body actually requires, because that the idea of balancing between your desire for food and your need to be healthy is a difficult thing. It's very difficult. हाँ, वो रोज़ का मामला है. वो ऐसा नहीं होता कि आपने सीख लिया और क्रैक कर लिया, यू नो इट्स समथिंग यू हैव टू. अरे आ गया क्या? और इसी बात पे आपकी कॉफ़ी ज़रूर आ चुकी है. सो डू यू प्रेफर ब्लैक कॉफ़ी और घी कॉफ़ी? Like what have you tried, you know, so far? I have actually different weathers ke liye different drinks. Yeah. So winters mein I generally prefer coffee. So I think this is like my coffee phase is now on its way out because we are already in March. Summers mein I generally prefer to have chai. But both are generally light on milk because it doesn't suit me anymore. Haan. Oh, achha. Paneer cheese kulcha. Okay. I mean, my mouth is watering while even saying these three words. It is too good. But as I was talking about lactose intolerant, you know, and your husband's, you know, memory attached with it, aapko kab realize hua that, you know, you have to let go of milk, and you know, there are some food items which you let go of, you know, for health? I don't think I'm lactose intolerant, but it's just after your body changes over years and you have to kind of listen to it, you know. So I've realized that it doesn't suit me too much. I can still have a little bit of milk, but in zyada quantities wo mujhe suit nahi karta. So I think when you're sort of working out regularly, exercising and watching your diet regularly, you tend to know these things about your body. You notice it. कि आज मैंने कुछ खाया एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड. बट आई कैन टेल यू दैट देयर इज नो पॉइंट एट व्हिच आई हैव ईटन अ कुलचा एंड नॉट फेल्ट गुड. वो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं आपके इस पे, एंड आई वुड लेट यू एंजॉय दिस फॉर सम टाइम. What was the first meal you made when you shifted to Bombay and when you started off your career, if you remember anything? First meal I cooked, I think it was poha. It's easy to cook, yeah. And it's such a Bombay thing. Yeah. Bombay Pune thing. Pune mein padhi bhi thi. FTI mein maine acting course kiya tha Pune mein. To wahan pe ek stall rehta tha. All my memories about food, huh, by the way. Yes, wahan pe ek stall tha jo एक छोटा सा स्टॉल सड़क पे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम कि कौन से चौक पे था, बट हमारे FTI के बहुत पास था, और वो सुबह 4 बजे तक खुला रहता था. तो क्योंकि हम शूटिंग करते थे रात को, स्टूडेंट फिल्म्स बनाते थे, एंड वी वुड बी शूटिंग इन टू द नाइट. सो जैसे ही शूट खत्म होता था, वी वुड ऑल गो देयर एंड हैव पोहा. दैट वाज लाइक फ्रेशली मेड पोहा. उसमें वो लोग चीनी डालते थे, लेकिन हाँ कई जगहों में डालते हैं.
गुजराती स्टाइल पोहा बन जाता है बेसिकली, जब हर चीज में चीनी हो जाती है, चीनी डालते हैं. आई डोंट लाइक दैट एनी मोर. उस समय तो हम लोग स्टूडेंट्स थे तो वी डेंट हैव सो मैनी, वी वर नॉट फसी अबाउट थिंग्स ना. जो मिलता था खा लेते हैं. सुबह 4 बजे कोई फ्रेश बना के दे रहा है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी. आपको ऑन द सेट्स ऑफ एनी ऑफ योर लोकेशन, यू नो, ऑफ योर फिल्म्स एंड ऑल, आप क्या खाना पसंद करते हैं व्हेन यू आर ऑन द सेट्स? वहाँ का लोकल खाना. और मैं जाके ढूंढ लेती हूँ. जैसे हम, मुझे याद है एक बार हम पंजाब में शूटिंग कर रहे थे, अटारी में जो बॉर्डर पे है. अटारी गांव है जो वाघा अटारी बॉर्डर पे. एंड मेरा बहुत टाइम से मन था, और सरसों के खेत थे, विंटर में हम शूटिंग कर रहे थे. और मुझे सरसों का साग बहुत पसंद है. मतलब पंजाब जाओ और सरसों का साग फ्रेश ना खाओ तो मतलब आपने कुछ देखा ही नहीं है ना लाइफ में. सो बहुत टाइम से मेरा मन था कि कोई घर का मुझे बना के दे. और एक दिन रात को हम शूटिंग कर रहे थे, एक बॉनफायर सीक्वेंस था, और बहुत ठंड थी. और कई बार हम, और मैंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जो सलवार कमीज था, तो कोई ऊपर से जैकेट नहीं था, एक पतली सी शॉल थी. इतनी ठंड लग रही थी मुझे. और उस विलेज में हम 4-5 दिनों से शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ के लोग हमको जानते थे, पहचानते थे. तो मैंने किसी से कहा था कुछ दिन पहले कि मेरा बहुत मन है सरसों का साग खाने का. सो वन लेडी शी कुक्ड सरसों का साग इन हर हाउस, एंड एक स्टील के टिफ़िन में, वो टिफ़िन कैरियर नहीं होता 3 डब्बों वाला, उसमें उसने सरसों का साग और रोटी फ्रेशली मेड मुझे बनाकर वो मेरे लिए लाई उस दिन शूट पर और सेट पे लाई. तो मैंने अपना शॉट ख़त्म किया एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दैट फीलिंग जब मैंने वो डब्बा खोला और वो स्मेल. मतलब आई हैव नॉट स्मेल्ट एनी थिंग सो फ्रेश इन माई लाइफ. जब आप शहरों में खाना खाते हैं ना तो वैसा टेस्ट नहीं आता. मतलब यू कैन रियली स्मेल द एवरी बिट ऑफ द सब्जी, यू नो. और आपको यानी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में से किसका डब्बा खाना इससे अच्छा लगा है, जिसे किसी ने आपके लिए बना भी हो बनाया? हाँ, एक्चुअली लंच के लिए हमें इतना शॉर्ट ब्रेक मिलता है ना दैट वी डोंट गेट अ चांस टू ईट टुगेदर दीज डेज. शूट इज सो सॉरी. Shoot is so stressful that very often we don't get to sit and eat together. But the one person who I've shared a lot of food conversations with is Purab Kohli. हम लोग ऊटी कुनूर में हमने आउट ऑफ लव की शूटिंग की थी कई महीनों तक, मतलब 3-4 महीने वहाँ थे. और पहाड़ों में तो खाने का मज़ा कुछ और ही है रियली. वहाँ पे एक कैफ़े हुआ करता था, अभी भी है, कैफ़े DM, बहुत खूबसूरत कैफ़े है, बहुत अच्छा व्यू है. तो हम शूट कर रहे होते थे तो वक्त नहीं मिलता था वहाँ जाने का, लेकिन हमने वहाँ से ऑर्डर करना शुरू कर दिया था. वहाँ पे एक चॉकलेट किनोआ केक बना करता था, तो इट वॉज़ लाइक अ लोफ एंड वो रोज़ फ्रेश बनाते थे. तो मैं किसी को भेज के मंगवा लेती थी एकदम फ्रेश टेस्टिंग केक. बट पूरा बनाया आई यूज़ टू शेयर एवरी डे कि अच्छा व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, आई एम ऑर्डरिंग फ्रॉम हियर, आई एम, वी यूज़ टू रेकमेंड थिंग्स टू ईच अदर. सो वी वर बोथ क्वाइट फूडी. और ऐसे ही है ना, पंकज जी के घर का खाना लोग बोलते हैं कि पंकज त्रिपाठी जी के घर का खाना बहुत टेस्टी होता है. एंड ही नहीं खिलाया, बहुत बुरी बात है. चलो जब season 4 की शूटिंग शुरू होगी ना, मेरे साथ season 3 तो शूट हो चुका है, लेकिन season 4 की शूटिंग शुरू होगी तो मैं ज़रूर पंकज से पूछूंगी. इनफैक्ट मैं मृदुला से ही पूछ लूंगी. लाइक वी हैव हर्ड दैट ही कुक्स क्वाइट वेल, एंड इवन संजय मिश्रा जी, यू नो, आई हैव हर्ड अबाउट हिम. ये उनका खाना खाया मैंने. एक बार मैंने उनके साथ शूटिंग की थी, उन्होंने परवल की सब्जी बना के खिलाया था सब. एंड परवल इज माई फेवरेट सब्जी, आई लव परवल. या मैं झारखंड से हूँ ना, तो उस साइड बहुत खाते हैं लोग. बंगाल और झारखंड में परवल बहुत खाया जाता है. बट परवल की सब्जी इज़ वन थिंग, लाइक यू नो, यू नीड टू नो हाउ टू मेक इट वेल, अदरवाइज वो थोड़ा हो जाता है. या आई लाइक टू कीप, आई लाइक टू मेक अ सूखा परवल का सब्जी विद सूखा मसाला, बिकॉज आई फील उसमें दूसरा कुछ डाल दो या वो गली हुई थोड़ी बने तो वो मज़ा नहीं आता. अनलेस इट्स इन अ पोश्तो, जो जैसे बंगालीज बनाते हैं, देन इट्स गुड व्हेन इट्स कुक्ड विद अदर थिंग्स, बट अदरवाइज आई लाइक इट विद सूखा मसाला. And I could see a lot of joy in her eyes whenever she's talking about food. Like, I'm literally imagining, mera vivid imagination to mujhe aur imagine ho raha hai ki acha aise aise bana hoga. But Rasika, do you prefer having non-veg? Like, are you, you know, into having non-veg right now, or the consumption is less now? It's a little less now. I've always been naturally drawn to more towards vegetarian food. Yeah. But I've always eaten non-vegetarian food, but my
मेन थिंग इज़ आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट वेजिटेरियन फूड बिकॉज कई लोग मेनी टाइम्स पीपल आर नॉट स्पेशली फूडीज आर नॉट सो एक्साइटेड अबाउट वेजिटेरियन फूड बट आई एम एक्साइटेड अबाउट ऑल फूड It has a different vibe I feel like as compared to non-veg. There are people who would have different views on this. Actually, non-vegetarian food is very hard to cook. It has to be cooked. How you cook the meat is very important. And mostly people get it wrong. And you can't consume non-vegetarian everywhere. Like, you need to know. हाँ उसकी cooking correct होनी चाहिए और जो softness meat का ना वो अलग temperatures में cook किया जाता है to get the optimum softness of meat. Like, I think chicken तो is very hard to cook. क्योंकि बहुत जल्दी hard हो जाता है और या तो अंडर कुक्ड रह जाता है वो एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी कुक्ड इज डिफिकल्ट सो मेनी पीपल डोंट गेट इट राइट सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम टेंडिंग टू शिफ्ट टू मोर वेजिटेरियन इन योर ग्रोइंग अप डेज ओवर द इयर्स यू नो विच ऑल प्लेसेस हैव यू शिफ्टेड जिसका एक एक खास खाना आपको पसंद आया है तो माय एंटायर चाइल्डहुड वाज इन जमशेदपुर हाँ लेकिन लाइक आई सेड कि बिकॉज माई फैमिली वॉज वेरी इंटू फूड वी लॉट ऑफ अगर वो कहीं ट्रैवल करते थे तो वो वापस आकर वो खाना बनाया करते थे तो हमारे घर में बहुत सारी कुजीन्स बनाई जाती थी और जमशेदपुर में बहुत ही बंगाली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो बंगाली फूड बहुत मिलता था और लोगों के घर में बनता था सो आई लव ईटिंग बंगाली फूड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट कुजीन्स हम लोग जब पूजा होता है अक्टूबर में दुर्गा पूजा होता है तो जमशेदपुर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है तो पंडाल में जाके हम वो भोग का खाना खाते थे विच इज़ जस्ट वहाँ उस वो खिचड़ी जो एक स्पेशल राइस से बनती है गोविंदो भोग राइस हाँ तो इट्स अ स्पेशल राइस यू डोंट इट्स नॉट अ रेगुलर राइस वाला खिचड़ी तो वो एक स्पेशल स्टाइल से बनाई जाती है एंड विद दैट राइस एंड दैट इज़ सो टेस्टी सो But I have to also ask you, Rasika, as we talk about food and the, you know, the amazing part of food is also that ke kabhi kabar aisi memories ban jati hai food ke liye jo hum utpatang harkate kar lete like sometimes hum kabhi ghar chhod dete khane ke liye ek special memory banane ke liye raat mein nikal jate hai ya koi jagah par chale jate hai you know trekking karne ke liye specially just to have that food apne se kuch kya hai utpatang ki harkate मतलब मैं जाके किसी के रेस्टोरेंट में रोई हूँ पराठे के लिए तो मतलब उससे ज़्यादा उठपटांग तो कुछ हो नहीं सकता बट हाँ एक दिन एक बार हम लोग हिमाचल में शूट कर रहे थे ये धर्मशाला के पास एंड पहाड़ों के साथ तो अगर हम पहाड़ों में आप विंटर में शूट कर रहे हो तो अगर मैगी नहीं खाया तो आपने क्या किया सो मैंने एक एक किसी का स्टॉल था और मैगी के स्टॉल्स इधर उधर आपको मिल जाते हैं ना कहीं पहाड़ों में एक आपको एक टिन का शेड दिखेगा और उसमें कोई मैगी बना रहा होगा तो हम मतलब सुबह 4 बजे का कॉल टाइम था हम लोग पहाड़ में शूट कर रहे हैं और लाइट जा रही है आ रही है पहाड़ों में वो भी होता है कि कभी भी क्लाउडी हो जाता है कभी भी सनशाइन आ जाता है सो इट्स वेरी ट्रिकी दैट टू कैच दैट टाइम तो मैंने तो शूट छोड़ के मैं बीच में जाके मैगी खा के आ गई यानी काम कुछ काम जाए साइड पे मुझे चाहिए मैगी मैगी और पहाड़ मतलब देन शूटिंग इज सेकंड प्रायोरिटी ऐसा किसी का बॉलीवुड में किसी का डब्बा आप खाना चाहोगे अली हाँ ही ईट्स हेल्दी बट ही इज द काइंड ऑफ पर्सन हु आई थिंक विल व्हेन ही ईट्स ही ईट्स रियली वेल तो अली तुम्हारे डब्बे पर किसी की नजर है ऑलरेडी नो द डब्बा छोड़ रहा है मे बी इन सीजन 4 बट जैसे आपने बोला कि मिर्जापुर की शूटिंग हो चुकी है एंड 3 की एंड यू आल्सो सेड दैट यू नो यू काइंड ऑफ वुड हैव अ कैरेक्टर लाइक हर यू नो इन योर रियल लाइफ आल्सो यू नो दैट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हाउ डू यू डिफाइन योर सेल्फ अदरवाइज यू नो एज अ पर्सन वर्सेज अ कैरेक्टर्स यू प्ले इन रियल लाइफ person versus the characters I think that anything that you play has a little bit of you in it and after you played that character aap usme se bhi kuch lekar apni life mein lekar jaate ho you know aisa nahi hai ki wo sirf character tha aur main sirf main hu aisa nahi hota usse bada hi subconscious sa mix hota hai jis aur kyunki wo subconscious hota hai wo isliye aur bhi khoobsurat hota hai क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि ये मुझसे आया ये स्क्रिप्ट से आया यू नो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग एंड यू डोंट नो वेयर व्हाट केम फ्रॉम
and that is the beautiful thing about acting and being an actor. कि जो जो आपने काम किया वो आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन जाता है, क्योंकि बहुत इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं उसमें. बट जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी दिल्ली क्राइम की, तो मुझे लगा कि नीति सिंह इज़ मी इन माय यंगर डेज, यू नो. एंड जब बीना त्रिपाठी की पढ़ा था, तो मुझे लगा था कि ये ऐसा कैरेक्टर है जो मैं लाइफ में हूँ नहीं, लेकिन एक इच्छा है कि मैं वैसे बन पाऊँ, कि ऐसी औरत जो अपनी बॉडी में इतनी कंफर्टेबल है, यू नो. तो और मतलब किसी चीज़ की के लिए अपॉलोजी नहीं है, अपनी उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई अपॉलोजी नहीं है, यू नो. सो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं वो बिल्कुल नहीं थी. मैं कह सकती हूँ कि बीना त्रिपाठी की बॉडी लैंग्वेज जैसी है वो, शायद मेरी मेरा एक डिज़ायर था कि मैं वैसी बनूँ, लेकिन सर्कमस्टांसेस में या जैसे आपकी अपब्रिंगिंग होती है, वो शायद उस साइड को उतना बढ़ावा नहीं मिला. बट एज़ वी सी रसिका, हमें तो रसिका बहुत ही सिंपल और जैसे सिंपल है वैसे ही काफ़ी पसंद है. बट वी हैव टू आस्क कि रसिका की खूबसूरती का राज क्या है एंड फिटनेस का भी. उसमें तो खाना कुछ ना कुछ होगा, विच यू मस्ट बी कंज्यूमिंग. आई डोंट नो, आई स्ट्रगल विद इट ऑल द टाइम. इट चेंजेस एवरी टाइम. समटाइम्स मैनेज टू बी वेरी हेल्दी एंड डिसिप्लिन, समटाइम्स आई जस्ट डोंट. सो वो तो ऊपर नीचे चलता रहेगा लाइफ में. एंड आई थिंक दीज डेज आई बिकम कम्फर्टेबल विद दैट, कि हर समय आप बिल्कुल डिसिप्लिन भी नहीं रह सकते और हर समय आप बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रह सकते. देर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन द टू एंड यू हैव टू अलाउ योर सेल्फ दैट. पहले मैं बहुत ऐसे अपसेट हो जाया करती थी कि अगर मैं डाइट नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, तो मुझे लगता था अरे आई हैव फेल्ड, आई एम नॉट बीन एबल टू डू दिस एंड आई एम नॉट बीइंग एबल टू मीट माय हेल्थ गोल्स एंड ऑल ऑफ दैट. वो एक हवा सा बन जाता है आपके दिमाग में और एंड आई हैव रियलाइज कि दैट नेवर हेल्प्स. इट्स गुड टू एजुकेट योर सेल्फ अबाउट योर बॉडी, अबाउट वॉट इज़ नोन अबाउट हेल्दी ईटिंग एंड हेल्थ प्रैक्टिस एंड सी वॉट यू फील कम्फर्टेबल फॉलोइंग. एंड देर विल बी टाइम्स वे यू स्लैक ऑफ एंड यू शुड बी ओके विद दैट एंड देर विल बी टाइम्स वे यू वॉन्ट ऑल्सो. एंड बिफोर आई लेट यू एन्जॉय योर कुल्चा पराठा, वॉट इज नेक्स्ट विद रसिका दुग्गल? वॉट इज शी वर्किंग ऑन? वॉट इज कीपिंग अ बिजी? लॉट्स ऑफ स्टफ एक्चुअली. देर इज सम 6-7 प्रोजेक्ट्स जिस पर मैंने काम किया है और वो सब अपने टाइम पे रिलीज़ होंगी. मिर्ज़ापुर 3 शैल आई थिंक विल बी द नेक्स्ट रिलीज. देर आर 2 न्यू प्रोजेक्ट्स दैट आई एम शेड्यूल टू शूट फॉर वेरी सून एंड बिसाइड्स दैट ऑल्सो दिल्ली क्राइम सीजन 3 विल बी शॉट दिस ईयर. आउट ऑफ द स्टफ विच आई हैव शॉट, देर इज एन इंडिपेंडेंट फिल्म कॉल्ड लॉर्ड कर्जन की हवेली विच आई हैव डन विद अर्जुन माथुर. देर इज अ फिल्म कॉल्ड लिटिल थॉमस दैट आई हैव डन विद गुलशन देवैया. देर इज अ स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज कॉल्ड स्पाइक विच आई एम होपफुल विल रिलीज ऑन सम प्लेटफॉर्म सून. बिसाइड्स दैट इज वन अ लिटिल मोर कमर्शियल फिल्म विच आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक अबाउट येट. एंड वन शो, न्यू शो विद अप्लॉज विच इन विच आई हैव डन अ कम्प्लीटली न्यू कैरेक्टर विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. Well, interestingly, knowing all these things about you makes us very happy and lovely chatting with you, Rasika. Hi, I'm Rasika Dukkal. You're watching me on Street Diaries with Sameena, only on Zoom.